का रिफ्लेशन क्या है? डिप्रेशन या मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेशन को अपनाना, डेलिब्रेटली इन्फ्लेशन को एडॉप्ट करना रिफ्लेशन है। इसके बाद है हमारा डिसइन्फ्लेशन या अपस्फीति। तो जिस प्रकार हम कह सकते हैं डिफ्लेशन या मंदी को दूर करने के लिए हम रिफ्लेशन को अपनाते हैं, तो जिस प्रकार डिफ्लेशन का इलाज या उसका सुधार रिफ्लेशन है, उसी प्रकार मुद्रा स्फीति का सुधार अपस्फीति अथवा डिसइन्फ्लेशन है। मतलब जब हम मुद्रा स्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो पॉलिसी हम अपनाते हैं या जो कंडीशन हम एडॉप्ट करते हैं, वो कहलाती है अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या हुआ? हम कह सकते हैं मुद्रा स्फीति के उग्र रूप धारण कर लेने पर कीमतों में इस प्रकार की कमी करना कि उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा में किसी प्रकार की कमी ना हो, वो डिसइन्फ्लेशन या अपस्फीति कहलाता है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन के दुष्प्रभावों या इन्फ्लेशन का जो उसके विनाशकारी इम्पैक्ट्स हैं, उनको दूर करने के लिए जब हम कीमतों में कमी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास हमारे किस रूप में होते हैं कि उत्पादन तथा रोजगार में कमी नहीं आए, वो बढ़ते रहें, लेकिन कीमतों में वस्तु की कीमतें जो अप्रत्याशित बढ़ चुकी हैं, उनको उनमें कमी लाना हमारा उद्देश्य हो, तो वो स्ट्रेटेजी कहलाती है अपस्फीति या वो स्थिति कहलाती है अपस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। तो ये भी हम कह सकते हैं डिसइन्फ्लेशन भी क्या है? एक तरह से ऐच्छिक होता है या हम इसको डेलिब्रेटली अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, और ये सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध नीति के आधार पर काम करती है। और अपस्फीति का उद्देश्य मेन क्या होता है? जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको सामान्य स्तर पर लाना, लेकिन उनको सामान्य स्तर पर इस रूप में लाना कि उत्पादन तथा रोजगार की देश में कमी नहीं आए, ये इसका मुख्य बिंदु रहता है कि स्थिति में सुधार लाना, मुद्रा स्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करना, लेकिन इस प्रकार से दूर करना कि उत्पादन तथा रोजगार कम नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ता रहे, उसमें कमी नहीं आए, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाए। इसके बाद हमारा आता है स्टैगफ्लेशन या निस्पंद स्फीति। स्टैगफ्लेशन या निस्पंद स्फीति वह स्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं स्टैगनेशन या आर्थिक निष्क्रियता और इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति एक साथ मौजूद है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब आर्थिक निष्क्रियता और इन्फ्लेशन, दोनों की गुण इसमें या दोनों की विशेषताएं इस स्थिति के अंतर्गत होती हैं। तो कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन या निस्पंद स्फीति एक तरह से आर्थिक निष्क्रियता तथा मुद्रा स्फीति का मिश्रित रूप है या उसकी मिक्स्ड सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की भी और इकोनॉमिक स्लो की, या हम कह सकते हैं स्टैगनेशन की। स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन वो कहलाता है स्टैगफ्लेशन। तो निस्पंद स्फीति सामान्य बेरोजगारी तथा मुद्रा स्फीति का एक तरह से सम्मिलित रूप है। इसमें मुद्रा स्फीति तथा शिथिलता, रिसेशन जिसे हम कहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, और कीमतों और मजदूरी दरों में वृद्धि होने के बावजूद लोगों द्वारा रोजगार पाने में कठिनाई होती है। मतलब इसमें क्या होता है, एक तरह से इन्फ्लेशन के गुण मौजूद हैं, कीमतों में वृद्धि हो रही है और भी सारी कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन उसमें आर्थिक निष्क्रियता मतलब बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। तो निस्पंद स्फीति जिसमें मुद्रा स्फीति के गुण है, कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी उसका उसमें एक क्या कंडीशन है, तो उसमें बेरोजगारी की स्थिति भी बनी हुई है, तो उसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन की या निस्पंद स्फीति की स्थिति।